नेक्स्ट हम डाल दें लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। तो सबसे पहली यहां लिमिटेशन है क्या कि हम डायमेंशन एनालिसिस से कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते किसी भी तरह से, समझ रहे हो? कांस्टेंट की वैल्यू प्रैक्टिकली ही फाइंड की जा सकती है, डायमेंशन से एनालिसिस से फाइंड नहीं की जा सकती। पहले लिखते हैं हम फर्स्ट लिमिटेशन, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के कैन नॉट बी फाइंड आउट वैल्यू, द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के कैन नॉट बी फाइंड आउट बाय डायमेंशन एनालिसिस, बाय डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस। और अगली इसकी लिमिटेशंस ये है कि अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, अभी हमने कल किया था एक फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ इक्वल्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एफ किस किस पर डिपेंड करता है? एम मास पर, वेलोसिटी पर और डिस्टेंस आर, रेडियस आर पर। अगर ये फोर्स चौथी किसी एक और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती तब हम वो फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एम एल टी तीन डेरिवेशन होती है, तीन वेरिएबल्स होते हैं, तीन इक्वेशन बनती है एबीसी में, तीन इक्वेशन से हम तीन अननोन वेरिएबल्स ही फाइंड कर सकते हैं, चौथा फाइंड नहीं कर सकते तीन इक्वेशन से, ठीक है? तो अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी मोर देन थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड है तब हम डायमेंशन एनालिसिस से उसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, ठीक है? लिखते हैं इफ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटीज, मोर देन थ्री अदर फिजिकल क्वांटिटीज कॉमा देयर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, देयर रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बाय डायमेंशन एनालिसिस, बाय डायमेंशन एनालिसिस।